हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 मई 2024 से यानी कि कल से ही बाबा केदारनाथ की कपाट खुलने की तारीख है और मेरे ख्याल से आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे दर्शन के लिए। तो अब बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए आज मैं आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम, जो 4 धामों में से एक धाम होने के साथ साथ 12वीं ज्योतिर्लिंग और 5 केंद्रों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। 16 जून 2013 की रात को प्रकृति ने कहर भर पाया था। इसमें सभी चीजें उथल पुथल हो गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। एक विशाल चट्टान आई और मंदिर के पीछे ही आकर रुक गई और इसी चट्टान की वजह से मंदिर और भी ज्यादा सुरक्षित हो गई और आज उसी विशाल चट्टान को भीमशिला के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप भारत के किसी भी कोने से हैं और आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आना होगा देहरादून या फिर हरिद्वार या फिर आप ऋषिकेश भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको देहरादून स्टेशन या हरिद्वार स्टेशन से आप बस पकड़कर सोनप्रयाग जाएं, जो 234 किलोमीटर है, जिसका किराया आपको लगभग 500 रुपये लगेंगे, जो आपको 8 से 10 घंटे में सोनप्रयाग पहुंचा देगा। वैसे रास्ते में आपको बहुत सारे होटल्स और ढाबा मिल जाएंगे जिसमें आप 100-200 रुपए देकर आराम से पेट भरकर खाना खा सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने में आपको शाम भी हो सकता है। जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाएं तो फटाफट से एक होटल बुक कर लें, क्योंकि वहां पहुंचकर आपको बहुत भीड़ मिलेगी जिसके कारण आपको होटल लेने में बहुत परेशानी होगी। वैसे आप चाहें तो पहले से ही आप ऑनलाइन होटल बुकिंग कर सकते हैं। यहां खाने की सुविधा बहुत ही अच्छी है। आपको यहाँ फ्री लंगर सिस्टम मिलेगा जहाँ आप खाना खा सकते हैं। अब अगले दिन शेयरिंग टैक्सी करके गौरीकुंड जाएं, जिसका किराया 50 रुपये होगा। फिर आप केदारनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। यहाँ गौरीकुंड में स्नान करके फिर आप महादेव का नाम लेकर 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं या कोई बुजुर्ग आपके साथ है, तब आप हेलीकॉप्टर की या पालकी की सुविधा ले सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर की सुविधा लेना चाहते हैं तो आप इन तीन जगहों से सुविधा ले सकते हैं, जिसका टिकट आपको ऑनलाइन ही करना होगा, जिसका चार्ज आपको 7,000 रुपये पड़ेगा। अगर आप पैदल यात्रा या ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको लगभग 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। अगर आपने ट्रैकिंग सुबह के 6 बजे स्टार्ट किए हैं तो शाम के 4 से 5 बजे तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, आप याद से अपने गर्म कपड़े यानी कि स्वेटर जैकेट ज़रूर रख लें। साथ ही आपको अपने साथ रेनकोट या छाता लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश होने लगती है। आप अपने साथ कुछ दवाइयाँ भी ज़रूर रख लें, जैसे कि सर दर्द, पेट दर्द, बुखार या वॉमिटिंग की। केदारनाथ धाम पहुंचते ही आप सबसे पहले शेयरिंग टेंट बुक कर लें, जिसका चार्ज आपको 1,000 रुपये पड़ेगा। आप चाहें तो होटल भी बुक कर सकते हैं, जो आपको 2,000 के अंदर ही आसानी से मिल जाएगा। केदारनाथ धाम पहुंचते ही आप शाम के 6 बजे बाबा की आरती देखना मिस बिल्कुल भी ना करें। और अगले दिन आप दर्शन करने के लिए आप सुबह सुबह लाइन में लग जाएं, क्योंकि यहां भीड़ काफ़ी होती है। दर्शन करने के बाद आप नंदी महाराज की परिक्रमा करें। मंदिर के पास ही भीमशिला है, जो एक विशाल पत्थर है। आप इसका भी दर्शन ज़रूर करें। यहाँ से आप रेतस कुंड जा सकते हैं। इस कुंड में आप जब भी हर हर महादेव बोलते हैं तब पानी से बुलबुले निकलते हैं। है ना ये बिल्कुल चमत्कार वाली बात? और इसके पीछे क्या रहस्य है, वैज्ञानिक भी आज तक नहीं जान पाए। इसके बाद आपको बाबा भैरवनाथ का दर्शन करना ज़रूर जाना चाहिए, नहीं तो आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा अधूरी मानी जाएगी, जो कि 500 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से आप आदर्श गुरु शंकराचार्य के दर्शन कर सकते हैं। फिर आप उसी दिन सोनप्रयाग आकर एक रूम बुक करके और रात में रेस्ट कर सकते हैं। यहीं पर आपकी यात्रा समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।